यहाँ पे जी जो हमारा चिकन हो गया फ्राई, तो मैंने चूल्हा कर दिया बंद और ग्रेवी कर देते हैं बंद, इसका करते हैं ग्रेवी। तो फिर गैस के ऊपर चिकन सालन जो हमने बनाया हुआ है टिक्का बोटी, इसके साथ इसके अंदर डालेंगे फिर थोड़ा सा प्याज आ रहा है, देख देखी कमाल है ये तो, वैसे बड़ी इसकी, इसके साथ तो ना इसकी लुक भी डबल हो गई है ना। अस्सलाम वालेकुम हमारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं करती हूँ सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, कामरान भी ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं, अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, सा और मुस्कुराता रखे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे, जो जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे, जो लोग बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शफा दे, अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे, जो लोग बे औलाद है अल्लाह पाक उनको प्यारी सी औलाद दे, बेटी की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटी दे, जो बेटी की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटा दे, अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी आज फैमिली के लिए लव यू हो गया, बहुत सारा प्यार हो गया, बहुत सारी दुआएं होगी, अल्लाह पाक सबको कुछ बात रखे अच्छा और मुस्कुराता रखे। तो जी आज मैं आपके साथ बड़ी मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, आज मैं बनाने वाली हूँ टिक्का बिरयानी और बहुत ही आसान होगी ये हमारी रेसिपी। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं कि रेसिपी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए तो जिससे हमारी टिक्का बिरयानी बन जाएगी। यहाँ पे मेरे पास है टिक्का बोटी आधा किलो है और ये देखें जी ये बोनलेस है, इस तरह के मैंने छोटे छोटे पीस इसके टिक्के बोटी वाले बना लिए हैं। और यहाँ पे मेरे पास मसाला है प्याज, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, ये है अदरक, और मैंने ना 3 से 4 अदरक टमाटर ले लिए हैं, 2 बड़े वाले प्याज ले लिए हैं और मतलब के जो लहसुन के जवे ले लिए हैं, 2-3 गठियाँ ले ली हैं मैंने। और यहाँ पे मेरे पास है मसाला, नमक, हल्दी, लौंग, दालचीनी, ज़ीरा, काले मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, बिरयानी मसाला, टिक्का मसाला, साथ में लाल मिर्च पाउडर, और ये है सारे मसाले। और ये है जी, और यहाँ पे मैं लगाऊंगी सबसे पहले अपने मसाले को वेट। तो जी सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो मसाला है ये जाएगा जी इसके अंदर, मसाले को मैं लगाऊंगी वेट कम से कम 15 से 20 मिनट। और यहाँ पे जी जो मेरे मसाले हैं ये जाए जाएंगे इसके अंदर। जल्दी से अपनी जो टिक्का बिरयानी की रेसिपी है वो बनाते हैं, आसान है और मज़े की है, जल्दी से बन जाएगी। ये गया ऑयल इसके अंदर, तो जी हम इसको ना थोड़ा सा लगाते हैं वेट और चिकन करते हैं फ्राई। और यहाँ पे जी मैंने रख दिया हुआ है पानी को बॉयल। तो यहाँ पे मेरे पास चावल है, मैं रखे हुए हैं भिगो के, तो जी चावल को करेंगे बॉयल, इसके अंदर डालेंगे जी तेज़पात, ये जो मेरे पास मौजूद है डाल दिया, उसके अंदर डालेंगे नमक हसबे जैका 1 चम्मच और 2 चम्मच, क्योंकि मैंने इसके अंदर भी नमक डाला है तो इसके अंदर भी ज़हर है, चावलों में भी नमक हमारा टेस्ट पूरा होना चाहिए, कम से कम 3 चम्मच मैंने डाल दी हैं, ठीक हो गया। मेरे पास है 1/2 किलो चिकन है और 2.5 गिलास चावल के है, तो जी पानी को आता है बॉयल बल्कि आ ही गया है, तो इसके अंदर मैं चावल डालती हूँ और अपने प्रेशर को बंद करती हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालती हूँ। तो इसको हम लगाते हैं वेट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा कुछ गया इकट्ठा, देखें अब मैं इसको लगाती हूँ वेट। तो वेट लगा के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट मैंने क्या करना है। यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ चावलों को बॉयल, ये देखिए जी इसकी थोड़ी सी कड़ी रखेंगे तो फिर इसका भी कच्चे हैं, अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तो जब इसको निकालेंगे मैं आपको दिखाऊँगी। अभी थोड़ा सा बॉयल आने देते हैं इसको, इसको थोड़ी देर के लिए हम काट देते हैं कवर। और ये देखिए चावल में ये ठीक हो गए हैं, तो अब हम इसको उतार लेते हैं। तो हम छान लेते हैं, तो जी यहाँ पे जी चावल को बॉयल आ गया, इसको मैंने छान लिया, इस तरह के ये हमारे चावल हैं ठंडे, उल्ट पलटा इसलिए नहीं हो कि मतलब कि सही हो जाए, थोड़ी सी हवा लग जाए इसको। तो यहाँ पे ना चिकन है, इसको करते हैं फ्राई, और ये मेरे पास यहाँ पर चिकन है, तो ये थोड़ा सा चिकन डाल दिया ऑयल और इसे करते हैं फ्राई, वेट हमारा बोल रहा है यहाँ पर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए डालते हैं चिकन, तो इसको कर लेते हैं फ्राई, इस तरह से
और अच्छे में ज़्यादा फ्राई। अच्छे से जब फ्राई हो जाएगा ना तो फिर हम इसको निकालेंगे। तो फ्राई कर लेते हैं, तो थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं। इसका अच्छे से यहाँ पे जी जो हमारा चिकन हो गया फ्राई, तो मैंने चूल्हा कर दिया बंद और ग्रेवी कर देते हैं बंद। इसका करते हैं वेट। तो जी फ्राई यहाँ पे जी मैंने डाल दिए हैं आलू बुखारे, इसके अंदर ये डाल दिए मैंने आलू बुखारे। तो इसका मसाला जो अच्छे से हम भुनाई करते हैं, वेट मैंने खोल लिया। मसाला हमारा इस तरह से भुनेंगे अच्छे से। यह चिकन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे किया चिकन, इसकी भी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। यहाँ पे जी जो मैंने डाल दिया है चिकन, तो इसको अच्छे से इसकी भुनाई करते हैं अच्छे से। ये जी हमारा टिक्का बोटी नाश्ता लगा दिया और यहाँ पे कम से कम इसको 5-10 मिनट इसकी भुनाई करते हैं। क्योंकि चिकन हमारा वैसे भी पक चुका है, फ्राई हो चुका है अच्छे से और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास दही है, यहाँ पे मेरे पास दही है, बिस्मिल्लाह दही डाल दिया इसके अंदर। दही जितना ज़्यादा डालेंगे उतने अच्छे हमारे चावल बड़े बिरयानी बड़ी नरम और मुलायम बनेगी। इसको करते हैं मिक्स। बहुत ही जूसी जूसी बिरयानी बनेगी हमारी। इसको हम अच्छे से बनाई कर लेते हैं फिर आपको मिलते हैं जी। सर यहाँ पे जी इसकी बनाई हो रही है ज़बरदस्त, मज़े की कुछ वो भी आ रही है। और ये देख सकते हैं अगर कलर कितना मज़े का इसका लग रहा है। और यहाँ पे मेरे पास एक पैकेट है ये बिरयानी मसाला, ये भी इसके अंदर मैंने डाल दिया। आप कोई सा भी बिरयानी मसाला आप ले सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए जी मसाला भी अच्छा है और ऑयल भी काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे जी हमारा ये देखिए जी बहुत ही चिकन रेडी हो गया। इसको चूल्हा कर दिया मैंने बंद। तो अब हम इसकी लगाते हैं तय वगैरह, कैसे लगाते हैं जी ये देखिए इसकी लुक, लुक देखिए कितनी मजे की लग रही है। ओहो वो धुआं आ गया है, कर कोई बात नहीं। चलो जी यहाँ पे जी हम लगाते हैं इसकी तय। पहले हमें डालेंगे इसके अंदर चावल, थोड़ा सा इसको उसके ऊपर डालेंगे ऑयल ताकि चावल जो है ना हमारे नीचे ना लगे। इस तरह से इस तरह ना सारे जो चावल की मैं तह लगाती हूँ चावल जाएंगे साथ में, फिर से चावल जाएंगे, फिर से चावल जाएंगे। तो जी इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा टमाटर। तो फिर गैस के ऊपर चिकन सालन जो हमने बनाया हुआ है टिक्का बोटी, इसके साथ इसके अंदर डालेंगे फिर थोड़ा सा प्याज। तो जी यहाँ पे जी हमने चावल डाल दिए, फिर इसके ऊपर डाल दिया टिक्का बोटी मसाला की बहुत ही ज़बरदस्त सी बनाई हुई है। तो अब इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा प्याज टमाटर। कामरन का फेवरेट है इसलिए मैंने ना टमाटर और प्याज डाला है। तो जी इसी तरह ये दूसरे चावल भी जाएंगे। इसके साथ जो हमारे पास चावल हैं इसके अंदर चले गए, जो सालन पड़ा मकौड़ा हमारा इसके अंदर जाते हैं सारा इसके अंदर डाल देते हैं इस तरह से। चले मैं इसको डन करके ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसका मसाला भी डाल लेते हैं ऊपर ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है। तो जी फ्रेंड यहाँ पे मेरे पास कलर है, फूड कलर आप ओरेंज कलर मैंने लिया, कोई सा भी डाल सकते हैं।
तरह से मैंने डाला है और ये इसका कलर बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इसको मैं ना लगा देती हूँ थोड़ी देर के लिए दम, चूल्हे पर रखते हैं दम लगाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे जी लगा दिया है दम और इसको कुकिंग किया, इसको हलाते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए जी हमारी टिक्का बोटी बिरयानी है जी रेडी, तो इसको जी हलाते हैं और इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह खुशबू और यमी मज़े की आ रही है। इसको मैंने कर दिया है मिक्स और इसको करते हैं डिश आउट तो आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रही है, इसकी लुक भी देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी जो टिक्का बोटी रेसिपी अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट्स करना है, मुझे बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पे मज़े की बहुत 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 मज़े की खुशबू भी आ रही है और ये देख सकते हैं आपको मालुक कश कसम से मुँह में पानी आ रहा है देख देख के, कमाल है ये तो। वैसे ब्रीज की इसके साथ तो ना इसकी लुक भी डबल हो गई है ना। यहाँ पे जी हमारी बिरयानी हो गई है रेडी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि अच्छी अच्छी रेसिपी आपके पास आती रहे। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो आपने मुझे लाजमी कमेंट्स करना है और मुझे बताना है और मेरी वीडियो भी शेयर करनी है। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आपको मिलेंगी। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़, बाय। तो जी फ्रेंड, यहाँ पे हमारी टिक्का बिरयानी हो गई है रेडी और देख सकते हैं आप। और यहाँ पे जी छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं वेट, तो मम्मा खाना लेके आ जाती है। आऊँ ले आऊँ? तो जी यहाँ पे बैठ के हम सारी फैमिली छोटे छोटे बच्चे अभी बड़ी मम्मा के साथ बैठ के खाना खाते हैं और जी हम सभी करते हैं इंजॉय।